हेलो दोस्तों, यहाँ पर सिद्धार्थ बच्चों को एम्बुलेंस बिठा के हॉस्पिटल लेकर आ चुका है। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे लगता है कोई पेशेंट आ रहा है एम्बुलेंस में। लेकिन अब मैं किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकती हूँ, मुझे टाइम हो गया है, मुझे घर जाना होगा। मुझे अपने बच्चों को स्कूल से भी लेकर आना है, घर का खाना भी बनाना है। चलो चलती हूँ, दूसरे डॉक्टर आएंगे फिर उनका इलाज कर देंगे। चलो चलो जल्दी से जाती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। चलिए चलिए सर, जल्दी से बच्चों को जल्दी से लेकर चलिए। अरे हाँ हाँ। अरे बाप रे, ये क्या, ये दो दो बच्चे जख्मी हैं। अरे बताइए इन बच्चों को क्या हुआ है, ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अरे डॉक्टर नीजी, वो सब आप बाद में पूछ लेना, पहले आप मेरे बच्चों का इलाज कर दीजिए, देखिए कितने ज्यादा जख्मी है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन बच्चों का इलाज नहीं कर सकती हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही बजे तक काम करती हूँ, मुझे जाना होगा। अरे डॉक्टर निजी प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज जल्दी से आप मेरे बच्चों का इलाज कर दीजिए, देखिए कितने ज्यादा दर्द में है ये, प्लीज जल्दी कीजिए डॉक्टर निजी। देखिए आप डॉक्टर है, आपको फर्ज बनता है इलाज करना इन बच्चों का। अरे लेकिन मुझे अपने बच्चों को स्कूल से भी लाना है। अरे डॉक्टर निजी आप इसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है ना, मैं किसी से कहकर बच्चों को बुलवा लूंगा, आप प्लीज इन बच्चों का इलाज कीजिए, ये भी आपके बच्चे ही जैसे हैं। अरे हाँ ये बात तो आप लोग सही कह रहे हैं, ये भी मेरे बच्चे के ही तरह है, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है मैं इनका इलाज करूंगी, आप लोग जल्दी से लेकर आ जाइए, ठीक है ना, जल्दी से आके बेड में सुलाइए, मैं इलाज करती हूँ। चलिए चलिए जल्दी से सर, इन बच्चों को जल्दी से लिटाइए। अरे हाँ हाँ लिटाता हूँ, प्लीज डॉक्टर जी अब जल्दी से इलाज कर दीजिए मेरे बच्चों का, देखिए कितने ज्यादा जख्मी हो गए हैं वो। जितना भी पैसा इनके इलाज के लिए लगेगा मैं सब लगाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज जल्दी कीजिए। अरे हाँ आप उसकी चिंता मत कीजिए पैसों की, मैं इनका इलाज करती हूँ। अरे सच्ची में बच्चे तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, मुझे जल्दी से जल्दी इनका इलाज करना पड़ेगा। चलो मैं इन्हें सबसे पहले सुन्ने की सुई लगा देती हूँ, इससे इन्हें दर्द नहीं होगा ज्यादा इलाज करने के वक्त। और फिर यहाँ पर डॉक्टर निजी दोनों को इंजेक्शन लगा रही होती है। रुक जाओ बच्चे, बस थोड़ा सा। ये लीजिए डॉक्टर, मैं लेकर आ गया हूँ कॉटन, आप जल्दी से इनकी जख्म पूछिए और जल्दी से दवा लगाइए, ठीक है ना, हमें जल्दी करना पड़ेगा वरना इन बच्चों का ब्लड बहुत ही ज्यादा बह जाएगा। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, लाओ दो मुझे जल्दी से। हाँ ये लीजिए। चलो मैं सबसे पहले इन बच्चों का घाव साफ कर देती हूँ ताकि मैं इन पर दवा लगा सकूँ अच्छे से। अरे बाप रे कितना ज्यादा जख्म है, आखिर आप बताइए इन बच्चों की इतना ज्यादा चोट कैसे लगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, बताइए मुझे। अरे हाँ डॉक्टर निजी, वो बात ये है कि इन दोनों के पैरों पे टेबल गिर गया था, बहुत ही भारी था, उस वक्त हम सब सो रहे थे। अच्छा ऐसी बात है क्या, तभी तो मैं सोचूं कि इन बच्चों को क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें जल्दी से दवा लगा देती हूँ, इनके जख्म मैंने साफ कर दिए हैं। हाँ हाँ लीजिए डॉक्टर निजी, पट्टी लीजिए, जल्दी से दवा लगा के बांध दीजिए ताकि ज्यादा खून ना बहे। डॉक्टर निजी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए कि मेरे बच्चे पहले की तरह चल फिर पाएंगे, दौड़ सकेंगे ना, प्लीज बताइए ना। अरे उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों का बहुत ही अच्छा इलाज करूंगी, वो फिर से खेलने और दौड़ने लगेंगी। अरे ये क्या, आपके भी हाथ में बहुत ही ज्यादा जख्म हुआ है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर निजी, मेरे हाथों को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो मैं बच्चों को उठा के लेके आया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरे हाथों पे भी लग गया है, मेरे हाथ जख्मी नहीं है। अरे सॉरी मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा कि आपके भी हाथ जख्मी हो गए हैं। अच्छा मैं आपके बच्चों का इलाज करती हूँ जल्दी से, चलो मैं सबसे पहले दवा लगा देती हूँ। ये एक एंटीसेप्टिक दवा है, इससे बच्चों का जख्म जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, वो जल्दी से चलने और दौड़ने लगेंगे। और फिर यहाँ पर डॉक्टर दोनों के पैरों में एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने लगती है ताकि पट्टी बांध सके। चलो दवा तो मैंने लगा दी है, अब जल्दी से पट्टी भी बांध देती हूँ। यहाँ पर बच्चों को होश आने लगता है। मम्मी मम्मी, पापा पापा, मम्मी मम्मी। अरे वाह ये क्या, मेरे बच्चों को होश आ गया, वो भी इतना जल्दी। शुक्रिया डॉक्टर निजी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना, बस तुम सब जल्दी से ठीक हो जाओ, चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ। अरे वाह इन बच्चों को तो बहुत ही जल्दी होश आ गया, चलो मैं इन दोनों बच्चों के नाम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अरे अरे सर जल्दी से बताइए इन दोनों बच्चों के क्या नाम है, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। अरे हाँ मुन्ना और स्वीटी, जल्दी से लिख दीजिए। अरे हाँ ठीक है मैं लिख देता हूँ दोनों के नाम। देखिए आप ध्यान से सुनिए, मैंने इन बच्चों का इलाज कर दिया है, पर आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा, इन बच्चों को 6-7 दिन तक बिल्कुल भी नहीं चलने देना है, दौड़ने भी नहीं देना है। क्या कहा, 6-7 दिन तक मेरे बच्चे चल नहीं पाएंगे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हम इन बच्चों का ख्याल रखेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। डॉक्टर निजी फिर से आपका एक बार शुक्रिया। अरे अब आप कितना ज्यादा शुक्रिया करेंगे, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना अच्छे से। बाय बाय अंकल, बाय बाय डॉक्टर निजी, आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, थैंक यू आप सबका। अरे हाँ हाँ बच्चों, जल्दी चलो घर चलते हैं, तुम्हारी मम्मी और पिंकी जी इंतजार कर रही होंगी तुम सबका, चलो जल्दी से चलते हैं। और फिर यहाँ पर सिद्धार्थ बच्चों को लेकर चला जाता है। यहाँ पर पिंकी और काजल घर पर बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। चलो अच्छा हुआ भाभी कि हम बच्चों के लिए खिलौने लेकर आ गए, अब वो हॉस्पिटल से ठीक होकर आएंगे, हम उन्हें गिफ्ट देंगे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे हाँ पिंकी, तुम एकदम सही कह रही हो, सिद्धार्थ का फोन आया था, वो बच्चों को लेकर आ रहा है, बच्चे एकदम ठीक है। देखो मैंने भी स्वीटी के लिए कितना अच्छा गिफ्ट लिया है, देखो ये मिनिएचर बर्तन है, स्वीटी मुझसे बहुत ही दिनों से मांग रही थी पर मैं उसे हमेशा ही मना कर देती थी, पर आज मैंने उसके लिए ले आया है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। अरे हाँ भाभी आप एकदम सही कह रही हैं, पर सिद्धार्थ जी कहाँ रह गए, अभी तक बच्चों को लेकर नहीं आए। भाभी सिद्धार्थ जी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे हमसे, मेरा दिल तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है भाभी। अरे पिंकी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, अच्छा अच्छा सोचो, आखिर सिद्धार्थ हमसे झूठ क्यों बोलेगा, वो बच्चों को लेकर आता ही होगा, बस तुम सब्र रखो थोड़ा सा, बच्चे आते ही होंगे। और फिर तभी यहाँ पर सिद्धार्थ बच्चों को घर लेकर आ जाता है। अरे पिंकी जी, भाभी देखिए मैं बच्चों को लेकर आ गया हूँ। अरे ये सब क्या है, अरे ये तो खिलौने है। अरे वाह सिद्धार्थ जी, आप बच्चों को लेकर आ गए क्या, बच्चों तुम सब कैसे हो, ठीक हो ना। चलो कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, आप बच्चों को जल्दी से बिठा दीजिए खटिए पर। अरे हाँ ठीक है, चलो स्वीटी बैठ जाओ। चलो मुन्ना तुम भी बैठ जाओ आराम से, ठीक है ना, ज्यादा हिलना डुलना बिल्कुल भी मत, तुम्हें डॉक्टर निजी ने आराम करने के लिए बोला है, तभी तुम लोग जल्दी ठीक हो पाओगे। मम्मी चाची आप दोनों के हाथ में क्या है, तो जैसे खिलौना है, आप हमारे लिए लेकर आई है क्या, है खिलौना, खिलौना दो, दो खिलौना चाहिए। अरे हाँ हाँ बच्चों आराम से ज्यादा हिलो डुलो मत, मैंने अभी तुम सबको क्या समझाया है, तुम सब तो बहुत ही जल्दी भूल गए। ये देखो मुन्ना मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, एक एरोप्लेन, तुम मुझसे मांग रहे थे ना, देखो मैं तुम्हारे लेकर आ गई हूँ, ये लो और मजे से खेलना, पर बैठ कर भी खेलना ठीक है ना, चलना बिल्कुल भी मत। चलो चलो मैं भी स्वीटी को उसका जल्दी से गिफ्ट दे देती हूँ, ये लो स्वीटी। अरे वाह मम्मी, ये तो मिनिएचर बर्तन है, आप मेरे लिए लेकर आई है क्या। थैंक यू मम्मी, आपका बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अब मैं तो इसके साथ बहुत ही मजे से खेलूंगी, और हाँ चिंकी को भी खिलाऊंगी। दोनों साथ में खेलेंगे, बहुत मजा आएगा ये। अरे हाँ हाँ ठीक है, बहुत ही ज्यादा खेलना, पर अभी नहीं, अभी तुम दोनों आराम कर लो 6-7 दिन, उसके बाद खेलना ठीक है ना बच्चों, बड़ों की बातें मानोगे तभी जल्दी ठीक हो पाओगे। हाँ ठीक है मम्मी, वैसे भी मेरा पैर अभी दर्द कर रहा है, मैं अभी नहीं खेलूंगी। देखिए भाभी बच्चे गिफ्ट पाकर कितने ज्यादा खुश हो गए। अरे हाँ पिंकी तुम एकदम सही कह रहे हो, अच्छा हुआ हम बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आ गए। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।